सभी किसान भाइयों को नमस्कार है। आज इसकी सर्विस करके दिखाते हैं, सर्विस कैसे होती है, क्या क्या चीज़ होता है। किसान बोनेट खोल लेंगे, इसका हम रेडिएटर भी साफ कराएंगे। पहले हम इसका ऑयल ड्रेन कर दें। ये यहाँ पर इसका ड्रेन बोल्ट लगा हुआ है चैम्बर पे। ये 28 नंबर की डाट है इसकी, का तेल निकाल लेंगे। तेल निकल रहा है, देखो तेल। इसमें हम इसका डीजल फिल्टर बदलेंगे। ये यहाँ पर इसकी डीजल टी है, ये टंकी टी को बंद करेंगे। यहाँ से बंद कर दिए। और ये 13 नंबर का बोल्ट है, इसको यहाँ से खोल लेंगे। ये फिल्टर चोक है बिल्कुल इसका, ये देखिए क्या हालत हो रही है इसकी, ये बिल्कुल ख़त्म है। और ये देखिए कितनी गंदगी है इस गिलास के अंदर, इसको हम अच्छे से क्लीन करेंगे। यहाँ से हम डीजल टी खोल के देखेंगे, तेल ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। तेल ठीक आ रहा है, ये बंद कर दी हमने। ये यहाँ से फिर हम इसका ये रबर रिंग भी निकाल लेंगे, बने रहे। ले हमने ये डिपस्टिक है इसकी, देज भी बोल रहे हैं। यहाँ पे इसकी सहायता से इसे अंदर से अच्छे से जितना भी मल लगा है इसके अंदर सारे मल को साफ किया जाएगा। ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो चुका है। ये रबर रिंग है, इस रबर रिंग को लगाएंगे ऐसे बिल्कुल। ये देखिए ये रबर रिंग लग चुका है और ये फिल्टर लग चुका है। इसको ये बैठ गया, अब हम इसको यहाँ से इसको टाइट कर देंगे। हम इसकी एयर वगैरह कैसे निकलती है वो सब दिखाएंगे इसमें, कि इसकी कैसे एयर निकालते हैं। ये हमने यहाँ से इसकी डीजल टी खोल दी है, ये खुल गया यहाँ से। ये तेल ड्रेन हो रहा है, अब हम इसका एयर क्लीनर यहाँ से ये तीन क्लिप खोल लेंगे। खोलने के बाद इसका एयर का बाउल और ये दोनों जाली निकाल देंगे। ये देखिए इसके अंदर पानी का असर है एयर क्लीनर के, ये इसकी वजह से ही है इसका कलर चेंज हो चुका है। यह देखिए यहाँ से इसकी फिल्टर की एयर निकाल लेंगे हम। थोड़ा सा वैसे हमें डीजल भी चाहिए, हमने इसलिए खोला है यहाँ से हम एयर क्लीनर धोने के लिए, तो डीजल बहुत कम था। अब ये हम ये एयर ब्लेडिंग स्क्रू है 10 नंबर का, M6 का बोल्ट बोलते हैं इसको। ये दस नंबर का बोल्ट है, ये ना इसको हम ऐसे टी से बंद कर देंगे। ये हो चुका है यहाँ से बंद। ये अब हम इसकी एयर की दोनों जाली धोएंगे।
ये दूसरे वाली जाली है इसकी, इसको भी हम अच्छी तरीके से साफ करेंगे डीजल की सहायता से। ये इस तरीके से देखना, ये बाउल की कटोरी, इसको भी हम यहाँ पे ऐसे साफ करेंगे। ये बाउल साफ कर लिया है हमने। पॉलिश वाश करके लाएंगे एयर क्लीनर को, इस तरीके से साफ करेंगे तो इसमें गंदगी है। फिर यहाँ पे एक कपड़ा देंगे और उस कपड़े को इस पाइप में लेके ऐसे कर देंगे। फिर एक बार और दो तीन बार करें जितनी गंदगी के अनुसार, जितनी गंदगी है। ये यहाँ से देखो, दिखाओ अंदर दर्शकों को। ये देखें बिल्कुल क्लीन है, इसमें कोई गंदगी नहीं है। अब इसमें एक बार हल्का सा कपड़ा बाहर को लगाओ और ऐसे कपड़ा लेके यहाँ से इसको ऐसे साफ करेंगे। जो हल्की सी भी धूल मिट्टी होगी वो साफ होनी चाहिए। साफ सफाई का ही सर्विस में काम होता है, देखो सफाई मेन चीज़ है। और ये जाली हम साफ कर चुके हैं, ये देखिए जाली बिल्कुल लेवन कंडीशन होगी। ये बाउल, ये कटोरी। अब हम ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का जेन्युइन ऑयल फिल्टर है, ये देखिए महिंद्रा युवराज का। इसका पार्ट नंबर अगर किसी को चाहिए पार्ट नंबर ले सकता है कोई भी भाई। ये पार्ट नंबर है इसका, ये ऑयल फिल्टर है। यह देखिए इसको हम उतारेंगे। यह देखिए यहाँ पे हमने बिल्कुल साफ कर लिया है। जहाँ पर ओरिंग लगेगा वहाँ पर बिल्कुल साफ होना चाहिए। और ये ऑयल फिल्टर निकाल रहा है यहाँ से, ये अब इस पर हल्का सा ऑयल एप्लीकेशन करेंगे हम। ये हल्का सा ऑयल ये इस रिंग पे ऐसे उंगली घुमा के और सीधे हाथ से ऐसे चढ़ाना है, ये बड़े प्यार के साथ। और इस पर कोई क्लिप लगाने की वजह ज़रूरत नहीं होती, हाथ से ही काफ़ी टाइट हो जाए। ये देखिए टाइट हो चुका है। ये इसका ड्रेन बोल्ट है, इस ड्रेन बोल्ट को भी हम डीजल की सहायता से साफ करेंगे। ये यहाँ पर हो चुका है, देखिए अभी 28 नंबर के पानी से इसको
टाइट करेंगे, और टाइट करने के बाद अब इसमें हम ऑयल डाल लेंगे। ये इसमें यहाँ पर ऑयल डालेगा, ये देखिए प्लास की सहायता से हम यहाँ से इसको खोल देंगे। यहाँ से साफ करेंगे और उधर से डिपस्टिक निकाल लें ऑयल डालने से पहले। ये देखिए ये इसमें डल रहा है इंजन ऑयल। यह देखिए इसमें 2 लीटर 700 ग्राम ऑयल लगता है पूरी सर्विस के अंदर। ये एयर क्लीनर सही। अब हम इसकी यहाँ पर लगेगी इसकी ये डिपस्टिक। अब हम देखते हैं हमारे ऑयल का क्या लेवल बैठा है यहाँ पर। यह देखिए ये पूरा है, ये यहाँ तक होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए निशान लो और मैक्सी। ये हल्का सा 150 ग्राम और डाल लेंगे हम, क्योंकि ऑयल फिल्टर में भी जाएगा। ये बस अब इसका इंजन ऑयल पूरा हो चुका है। यहाँ पर डिपस्टिक हम लगा देंगे, ये लग चुकी है। ये लेवल है, यहाँ तक लेना है। फिर ये इसका कवर लगाना है, ये ऐसा ये आ चुका है, जो डस्ट वगैरह आएगी एसी पे बैठेगी। और हम ये ऑयल फिलर कैप लगा देंगे, इसको ऑयल फिलर कैप बोलते हैं। यहाँ से ही फील किया जाता है इंजन ऑयल। ऐसे ये लग चुका है यहाँ पे। ये रहा, ये और ये यहाँ पे ये इसकी सर्विस होगी। अब हम दिखाते हैं तब हम इसका रेगुलेटर दिखाते हैं। रेडिएटर भी चौक है, हम रेडिएटर साफ करेंगे। जी यहाँ से सबसे पहले हम क्लिप खोल लेंगे।
आउटलेट होज पाइप का क्लिप है, ये खोल दिया और ये हमने कर लिया है यहाँ से। फिर ये हम ये 14 नंबर का नट बोल्ट है खोलनी, ये यहाँ से इसको हम यहाँ से खोल लेंगे 12 नंबर की से बोल्ट खोल लेंगे इसके। ये यहाँ पे लगे हुए हैं स्लॉट के बोल्ट, और ये क्लिप कर लेंगे यहाँ से। ये काट देंगे हम ये इसका पुराना कूलेंट यहाँ से जो इसमें भरा हुआ है, ये यहाँ से निकल चुका है। और ये डाल हम 10 नंबर की बोर्ड खोल लेंगे यहाँ से, ये यहाँ से और 10 नंबर के बोल सफाई करेंगे हम। यहाँ से हम ये 3 बोल्ट स्लॉट के खोल लेंगे, ये खोल दिया। खोलने के बाद 3 बोल्ट इसके यहाँ पर रखती है, ये यहाँ पर हम इसका होज पाइप निकाल लेंगे। ये निकाल दिया, फिर ये 12 नंबर का बोल्ट है इसका, लाउड अलग कर दिया हमने इसका। और ये 18 नंबर के बोल्ट हैं, ये 18 नंबर के बोल्ट हम खोल लेंगे और खोलने पर रेडिएटर बाहर आ जाएगा। एक बोल्ट और है यहाँ पे मेरा, यहाँ पे भीड़ है।
इसको हम क्लीन करवाएंगे खुला के। ये थोड़ी देर चलते ही गर्म हो जा। रेडिएटर साफ कराया है और बोल्टों को टाइट कर दिए हमने कम साइड से। अब इसमें हमें स्लॉट लगाएंगे ऐसे। ये पाइप लगाएंगे यहाँ पे। बोल्ट यहाँ पर और तीन बोल्ट है यहाँ पे। ये 10 की टी हैंडल की सहायता से